दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस के उपलक्ष्य पर हिमालयन नेचर क्लब की ओर से यूथ हॉस्टल डलहौजी में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एसडीएम डलहौजी जगन ठाकुर ने यूथ हॉस्टल परिसर में पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके पश्चात पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर डलहौजी को हरा भरा रखने सहित बढ़ती सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट समस्या पर भी विस्तार से चर्चा की गई। वहीं एसडीएम ने पौधे लगाकर पौधे रोपने के साथ ही उनकी देखभाल करने का भी आग्रह किया। वर्ल्ड डे फॉर कम्बैट डेजर्टिफिकेशन सेलिब्रेट किया गया है यूथ हॉस्टल में। हमारे साथ में एनजीओ हिलदारी, विशेष रूप से हमारे साथ डीएसपी डलहौजी, तहसीलदार डलहौजी, नायब तहसीलदार डलहौजी और अन्य सभी विभागों से आए प्रतिनिधिगण। आज का जो ये कार्यक्रम था, इसमें हमने ट्री प्लांटेशन जो है वो करी है विद कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, और एक छोटी सी चर्चा और गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसके ऊपर ये कि हमें किस तरह से डलहौजी को हरा भरा रखना है और जो बढ़ती सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की समस्याएं हैं उसके ऊपर भी चर्चा की गई, और जो भी इसके ऊपर प्रबंधन संबंधी जो हमारे कार्यक्रम हैं, एमसी से भी जो हमारे प्रतिनिधि थे वो भी आए और उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए डलहौजी से कुलदीप भारद्वाज की रिपोर्ट।